Okay, so today I will start with lecture number 32. So I will present on your screen. You can see on your screen. So, flow sheet you can see on your screen. That is your figure 2K2, Portland Cement Manufacturer. So you can see on your screen the flow sheet. So जब भी मैं प्रोसेस डिस्क्रिप्शन रीड कर रहा हूँ तो आपको पूरा फ्लो शीट पे ही आपको देखना है। तो लास्ट क्लास में हम लोग ने बेनिफिशिएशन कर लिया था लाइमस्टोन का, और आज हम लोग सीमेंट का मैन्युफैक्चर करेंगे। ओके, तो वो भी पोर्टलैंड सीमेंट का मैन्युफैक्चर करेंगे। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि आपकी कौन कौन सी वेराइटी होती है सीमेंट की, और पोर्टलैंड सीमेंट में भी आपके अलग अलग टाइप के सीमेंट होते हैं। और फिर हम लोग ने अदर टाइप्स ऑफ सीमेंट पढ़े थे, तो हम लोग ने काफ़ी ढेर सारे सीमेंट पढ़े थे, और एक स्पेशल सीमेंट पढ़ा था जो कि 3 दिन में ही आपका स्ट्रक्चर ले लेता था। बाकी रेगुलर सीमेंट 28 डेज लेता था, लेकिन वो स्पेशल सीमेंट आपका खाली 3 दिन में ही आपकी स्ट्रेंथ आ जाती थी उसमें। और तो ये आपका सीमेंट, हम लोग अलग अलग टाइप के सीमेंट पढ़ चुके हैं। फिर हमने बताया था कि हर जगह अलग अलग सीमेंट यूज़ होगा आपका। जैसे आप एक कोई लार्ज मैसिव स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो उसके लिए अलग सीमेंट यूज़ होगा, और सी वाटर के अंदर एक कुछ बना रहे हैं तो उसके लिए अलग सीमेंट यूज़ होगा। तो हम लोग ने लास्ट टाइम टाइप्स ऑफ सीमेंट भी करा था, और उनकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ भी पढ़ी थी हमने। तो आज हम लोग पढ़ेंगे पोर्टलैंड सीमेंट मैन्युफैक्चर। So you can see on your screen the flow sheet, you can see on your screen. तो flow sheet मैं describe करूँगा, तो आप लोग screen पे ही देखे रहिएगा। और ये इसका page number, अगर आपके पास book है तो आप लोग page number 223 from Dryden. Okay, तो 223 page open कर लीजिए आप लोग Dryden से। Okay, तो ये हम लोग ने कर लिया था, और आज हम लोग करेंगे पोर्टलैंड सीमेंट प्रोसेस। तो फ्लो शीट आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। देन केमिकल रिएक्शन क्या होता है इसमें? केमिकल रिएक्शन जो होता है वो होता है आपका, दो केमिकल रिएक्शन दिए हुए हैं, और उसमें हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट से पहले हम लोग डिकम्पोज करते हैं। तो कैल्शियम कार्बोनेट को पहले 1000 डिग्री सेल्सियस पर हम लोग डिकम्पोज करते हैं। ओके, तो स्टार्टिंग मटेरियल आपका है कैल्शियम कार्बोनेट, और दैट इज योर लाइमस्टोन। तो कैल्शियम कार्बोनेट को हम लोग 1000 डिग्री सेल्सियस पे CaO बना लेते हैं, और सेकेंड रिएक्शन है हम लोग उसमें एल्यूमिना और सिलिकेट्स का एडिशन करते हैं, ताकि आपको मिक्सचर ऑफ C3S और C2S एंड C3A मिल जाए। तो लास्ट क्लास में मैंने बताया था अलग अलग टाइप के सीमेंट आपको बताया था C3S C2S। ओके, तो ये आपके मिक्सचर ऑफ C3S C2S एंड C3A आपको मिल जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर जैसे टाइप 1 सीमेंट बना रहे हैं, तो बेसिस आपका 1 टन ऑफ टाइप 1 सीमेंट है। तो इसमें क्ले आपको चाहिए होगी 0.1 to 0.3 टन, एंड लाइम स्टोन चाहिए होगा आपको 1.2 to 1.3 टन, जिप्सम चाहिए होगा 0.03 to 0.05 टन, कोल, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी। तो ये सब आपके क्वांटिटेटिव रिक्वायरमेंट है, और प्लांट कैपेसिटी इज 200 to 1200 टन पर डे। तो आप लोग देख सकते हैं फ्लो शीट को एक बार। अब हम लोग फ्लो शीट का डिस्क्रिप्शन करेंगे। ओके, तो स्टार्टिंग आपका हाई ग्रेड लाइमस्टोन और क्ले है आपका स्टार्टिंग मटेरियल, आप लोग देख सकते हैं फ्लो शीट में, और उसको हम लोग परमलाइजर में भेज रहे हैं। तो अब आप लोग फ्लो शीट को देखिए, आप लोग ऑन योर स्क्रीन यू कैन सी दी फ्लो शीट। सीमेंट ग्रेड लाइमस्टोन,
एंड पॉसिबली ओस्टर शेल्स प्लस क्ले और शेल सैंड आयरन कंटेनिंग मटेरियल्स सच एज ब्लास्ट फर्नेस स्लैग जिप्सम कोल एंड आर ग्राउंड टुगेदर। तो इंडिया में यूजुअली कोल ज़्यादा यूज होता है, तो ये सारा स्टार्टिंग मटेरियल जो होता है इसको आप लोग साथ में ग्राइंडिंग करते हैं। तो लाइम स्टोन क्ले और सैंड आयरन कंटेनिंग स्लैग जिप्सम कोल ये सब चीज़ें आपको साथ में एक साथ आप लोग ग्राइंडिंग करते हैं। नाउ ग्राइंडिंग में भी वेट और ड्राई, तो ग्राइंडिंग आपकी वेट भी हो सकती है और ड्राई भी हो सकती है। एंड लेकिन नाउ आजकल हम लोग यूजुअली ड्राई ग्राइंडिंग करते हैं क्योंकि उसमें आपका सेविंग देर इज सेविंग ऑफ हीट एंड एक्यूरेट कंट्रोल इज पॉसिबल। नाउ द सीक्वेंस में इंक्लूड रफ क्रशिंग फॉलोड बाय जायरेट्री एंड हैमर मिल्स, देन ड्राइंग एंड फाइन ग्राइंडिंग इन ट्यूब मिल्स, फॉलोड बाय एयर सेपरेशन एंड न्यूमेटिक ब्लेंडिंग। अब इस ये आपका जो है हम लोग इसका, तो अब आपका एक जगह आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग को इसको हाई टेम्परेचर पे लाना है। हाई टेम्परेचर पे कहाँ पर होगा आपका? हाई टेम्परेचर आपका जो है किल्न में होगा। आप देख सकते हैं 1000 डिग्री सेल्सियस जो है आपकी फ्लू गैसेस आ रही हैं, और तो हम लोग का जो हाई टेम्परेचर होगा वो किल्न में होगा। उसके पहले का जो सर्किट है वो आपका जस्ट ग्राइंडिंग कर रहे हैं आप लोग, मिक्सिंग कर रहे हैं, और तो ये आपका बेनिफिशिएटेड रॉक स्लरी आ रहा है। उसके पहले जस्ट आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं और ग्राइंडिंग कर रहे हैं, और किल्न में मेन आपका रिएक्शन नंबर वन होगा जहां पर आपका कैल्शियम कार्बोनेट से आपको कैल्शियम ऑक्साइड मिल जाएगा। ओके, तो फ्लू गैसेस से आप हीटिंग कर रहे हैं और यहाँ पर आपका 1000 डिग्री सेल्सियस पर आपका टेम्परेचर होगा। और हम लोग ये टाइप वन का बना रहे हैं यहाँ पर। नाउ ड्राई पाउडर्ड फीड और वेट स्लरी, इसको हम लोग कह सकते हैं ड्राई पाउडर्ड फीड कह सकते हैं या वेट स्लरी। इट इज फेड टू ए डायरेक्ट फायर्ड काउंटर करेंट रोटरी किल्न। तो ये रोटरी किल्न भी आपकी मतलब आपकी डायरेक्ट फायर्ड है और काउंटर करंट है। ओके, तो अब आप लोग नाम से थोड़ा समझ सकते हैं कि काउंटर करंट है इसका मतलब फ्लू गैसेस देख रहे हैं आप, अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगी। तो रोटरी किल्न में आपका जो आपका हाई टेम्परेचर होगा और रेजिडेंस टाइम इज 1 to 3 आवर्स एंड देन फीड मिक्सचर इज डीकार्बोनेटेड एंड फ्यूज टू फॉर्म सीमेंट कंपाउंड्स। ओके, तो उसके बाद आपका डीकार्बोनेट करते हैं और यहाँ पर रेजिडेंस टाइम होता है 1 to 3 आवर्स। द हॉट क्लिंकर इज ड्रॉप्ड टू ए रोटरी कूलर विच ऑल्सो प्रीहीट्स कम्बशन एयर फॉर द किल्न। फिर इसके बाद आपका कूलर में जाता है और ये आपका एयर को इधर आप हीटिंग भी कर सकते हैं। ओके, तो कूलर में जाता है और आप द प्रोडक्ट फ्रॉम ट्यूब मिलिंग द क्लिंकर इज ए पाउडर ऑफ विच 90% पासेस 200 मेश। इट इज बैग्ड और बल्क स्टोर्ड एंड शिप्ड। ओके, तो उसके बाद आपका जो है फोर कंपार्टमेंट ट्यूब मिल, और तो यहाँ पर आपका जो साइज आप लोग उसको, आपको सीमेंट आ गया है आपके पास, आप जस्ट उसको ग्राइंडिंग कर रहे हैं और आप उसका साइज जो है प्रॉपर कर रहे हैं। ओके, स्क्रीनिंग कर रहे हैं और फाइनली आपको सीमेंट मिल रहा है टू बैगिंग एंड शिपिंग। तो ये आपका यहाँ पर स्क्रीनिंग हो रहा है, दैट इज योर पेरिफेरल स्क्रीन हो रहा है, और यहाँ पर आपको साइज जो है 90% पासेस 200 मेश। दिस इज द साइज ऑफ द मटेरियल। एंड सो ओके, सो दिस इज द प्रोसेस डिस्क्रिप्शन, आप लोग इस स्क्रीन पे देख सकते हैं एक बार। तो मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ आपकी प्रोसेस। हम लोग लाइम स्टोन लेते हैं और क्ले लेते हैं
और बाकी सारे मटेरियल जो होता है, स्लैग है, कोल है, शेल है, ये सब हम लोग मिक्स कर देते हैं और ग्राइंड कर देते हैं एक साथ। ट्यूब मिल में ग्राइंडिंग करते हैं और फाइनली हम लोग को फिल्टर से हम लोग उसको किल्न में भेजते हैं। तो किल्न में आपका जो है हाई टेम्परेचर हो जाएगा 1000 डिग्री सेल्सियस और हम लोग का रिएक्शन नंबर 1 हो जाएगा। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है वो डिकम्पोज हो जाएगा, आपका कैल्शियम ऑक्साइड बन जाएगा। ओके, और कैल्शियम ऑक्साइड में फिर हम लोग आपका ये सिलिकेट्स और एल्युमिनेट्स है उससे आपका सीमेंट बन जाएगा, वो C3S और C3A और ये वाला जो सीमेंट बन जाएगा आपका। और आप लोग कूलर में भेजेंगे और फिर स्टोरेज एंड ये आपका यहाँ पर क्लासिफाइंग हो रहा है, आप देख सकते हैं टेल्स है, फाइंस है, ये आपका क्लासिफाइंग हो रहा है। तो जस्ट आप देख रहे हैं कि साइज कितना है और उसके बेसिस पे आप उसको रिमूव कर रहे हैं। और फाइनली आपको सीमेंट मिल रहा है टू बैगिंग एंड शिपिंग। सो दिस इज योर सीमेंट इंडस्ट्री। नाउ मेजर इंजीनियरिंग प्रॉब्लम, टाइप ऑफ ग्राइंडिंग, किल्न डिजाइन, हीट इकोनॉमी, क्वालिटी कंट्रोल, ये आपकी चार यहाँ पर मेजर इंजीनियरिंग प्रॉब्लम है आपकी। और किल्न डिजाइन आपका जो है, मैं थोड़ा सा बताऊंगा उसमें। तो किल्न में जो होता है वो आपका कैल्शियम कार्बोनेट बहुत हाई टेम्परेचर पर डिकम्पोज होता और हीट ड्यूटी इज ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर वाटर इवेपोरेशन एंड ऑक्सीडाइजिंग ऑर्गेनिक मटेरियल, क्लोराइड्स, एल्कलाइज। एंड एक आपको ग्राफ गिवन है अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस इन किल्न। तो वेट प्रोसेस रिक्वायर्स 90 to 170 meter लेंथ किल्न्स ऑफ 2.5 to 6 meter डायमीटर, रोटेटिंग एट करस्पॉन्डिंग स्पीड ऑफ 2 RPM to 1/2 RPM, और ड्राई किल्न प्रोसेस में भी शॉर्ट एज 50 meter। ये आपका जो किल्न का डिजाइन है वो भी आपकी कितनी लेंथ होगी और कितना आपका डायमीटर होगा ये सब आपका देखना होगा, और उसमें कितना हीट ड्यूटी आपका कैसे होगा ये सब आपका एक मेजर इंजीनियरिंग प्रॉब्लम होता है। क्वालिटी कंट्रोल में आपका देख सकते हैं कि प्रोडक्ट परफॉर्मेंस इज सेंसिटिव टू रॉक कॉम्पोजिशन। तो आपका जो प्रोडक्ट का परफॉर्मेंस होगा वो किस किस के फैक्टर पे डिपेंड करेगा? रॉक का जो कॉम्पोजिशन है आपका, लाइमस्टोन जो आपने लिया है रॉक, उसका क्या कॉम्पोजिशन है, पार्टिकल साइज क्या है, एंड डिग्री ऑफ कैल्साइनिंग, तो आप कितना कैल्साइनिंग कर रहे हैं, इस सब के ऊपर आपका प्रोडक्ट की क्वालिटी डिपेंड करेगी। तो सीमेंट आपका कितना बढ़िया क्वालिटी का है ये सब फैक्टर्स उसको डिपेंड करेंगे आपके। एंड इंस्ट्रूमेंटेशन एंड ऑटोमेटिक कंट्रोल ऑफ कैल्साइनिंग किल्न हैज प्रूवन अ वर्थवाइल इन्वेस्टमेंट इन इम्प्रूविंग इंडियन सीमेंट क्वालिटी, सो दैट इट नाउ स्टैंड्स हाई इन द वर्ल्ड मार्केट कंपेरिजन्स। तो काफ़ी इंस्ट्रूमेंटेशन और कंट्रोल एक अलग सब्जेक्ट होता है आपका। तो कैल्साइनिंग किल्न में आप इंस्ट्रूमेंटेशन और कंट्रोल लगा सकते हैं, और तो इंडिया की सीमेंट इंडस्ट्री अब आजकल काफ़ी हाई हो गई है। और तो इंडिया इज नाउ ए बहुत ही अच्छा आपका मार्केट में काफी अच्छा है इंडिया का परफॉर्मेंस। और तो ये है आपका मेजर इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स। और आपका देन यू हैव इकोनॉमिक्स ऑफ सीमेंट इंडस्ट्री। तो ये आपका इसमें रॉ मटेरियल्स है, इकोनॉमिक्स ऑफ सीमेंट इंडस्ट्री में आपका रॉ मटेरियल्स बेसिकली आता है। नेक्स्ट आपका ओवरऑल फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड इन सीमेंट फैक्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री। तो क्या क्या फैक्टर होते हैं आपके? प्रोसेस टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम्स इंक्लूडिंग कैपिटल अवेलेबिलिटी, पावर,
लोकेशनल फैक्टर्स, रॉ मटेरियल प्रॉब्लम्स, ट्रांसपोर्ट प्रॉब्लम्स, एक्सपोर्ट प्रॉब्लम्स एंड एडवेंट ऑफ मिनी प्लांट्स, इम्पैक्ट ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड फ्यूचर मार्केट इन्फ्लुएंसेस एंड ट्रेंड्स। तो ये सब आपको चीज़ें कंसिडर करनी पड़ती हैं सीमेंट इंडस्ट्री में कि आपकी क्या टेक्नोलॉजी चल रही है, आपकी किस टेक्नोलॉजी से आप लोग सीमेंट बना रहे हैं आप लोग, और क्या इंडस्ट्री की प्रॉब्लम्स हैं आपकी, और जैसे कितना कैपिटल है, कितना पावर है, लोकेशन क्या है, रॉ मटेरियल्स और ट्रांसपोर्ट की प्रॉब्लम्स होती हैं कई बार कि आप लोग का एरिया थोड़ा लोकेशन ऐसी है कि ट्रांसपोर्ट में बहुत प्रॉब्लम होती है, और मतलब वहाँ पर कोई मान लिया ट्रेन वेन ना हो या कुछ आपका अवेलेबिलिटी ना हो, और एक्सपोर्ट प्रॉब्लम्स होती है। फिर इम्पैक्ट ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट कि आपकी क्या रिसर्च और डेवलपमेंट हो रही है, कि किस तरह से आपने कोई नया प्रोडक्ट निकाल दिया, नई रिसर्च कर दी, तो उससे आपका किस तरह से आपका इम्पैक्ट हो रहा है, और फ्यूचर मार्केट इन्फ्लुएंसेस एंड ट्रेंड्स, और एक आपका एडवेंट ऑफ मिनी प्लांट्स था नंबर 3, और अ रिव्यू ऑफ दी सीमेंट इंडस्ट्री हैज बीन प्रोवाइडेड इन कोठारीज इंडस्ट्रियल डायरेक्टरी ऑफ इंडिया पब्लिश्ड इन मद्रास इन 1994 विच कुड सर्व एज अ पैटर्न फॉर कंसिडरेशन ऑफ मेनी इंडस्ट्रियल केमिकल प्रोसेसेस, सॉर्ट ऑफ एन आउटलाइन फॉर कंसिडरिंग प्रोसेसेस इन जनरल। दस द कोठारी ट्रीटमेंट ऑफ सीमेंट इंडस्ट्री हैज बीन एब्स्ट्रैक्टेड एट लेंथ हियर एज ए स्टडी एड टू इंडियन स्टूडेंट्स। इट इज ए गुड केस हिस्ट्री ऑफ द फैक्टर्स इन्वॉल्व इन कंसिडरिंग एन इंडस्ट्री। तो ये एक आपकी कोठारी की इंडस्ट्रियल डायरेक्टरी ऑफ इंडिया है आपकी, तो उसमें आपका सीमेंट इंडस्ट्री का काफ़ी ओवरव्यू दिया गया है, और ये मद्रास में पब्लिश हुई थी 1994 में। और ये एक आपकी कोर सेक्टर इंडस्ट्री है आपकी, सीमेंट इंडस्ट्री इज ए कोर सेक्टर इंडस्ट्री एंड सीमेंट इज एन इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोडक्ट। तो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए आपका ये आपका प्रोडक्ट है। एनी इंक्रीज इन इट्स प्राइस वुड हैव अ कास्केडिंग इफेक्ट ऑन मेनी अदर सेक्टर्स स्पेशली दैट ऑफ कंस्ट्रक्शन। ओके, तो अगर आप सीमेंट का प्राइस बढ़ाएंगे तो काफ़ी दूसरी चीज़ों का भी प्राइस चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये आपका इंफ्रास्ट्रक्चर में आता है, और कंस्ट्रक्शन में आपका स्पेशली आपका प्रॉपर्टी जैसे है, आपका कंस्ट्रक्शन है, प्रॉपर्टी है, तो आप अगर आपका सीमेंट का प्राइस चेंज होगा तो आपका सारी चीज़ों का प्राइस भी बदलना पड़ेगा। इट इज़ ए कैपिटल एक्सटेंसिव इंडस्ट्री, कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री, और एक अ न्यू 1 मिलियन टन प्लांट वुड कॉस्ट बिटवीन 180 to 200 करोड़ विद इट्स जेस्टेशन पीरियड रेंजिंग बिटवीन 2 to 3 ईयर्स। एंड तो आपका नया प्लांट आप बनाएंगे तो उसका 180 से 200 करोड़ रुपए लगेंगे, और प्लांट की होगी कैपेसिटी होगी 1 मिलियन टन प्लांट। इट इज ऑल्सो ए पावर इंटेंसिव इंडस्ट्री एंड देयर फोर हाईली ससेप्टेबल टू पावर कट्स। ओके, तो पावर जो होता है एक मेजर कॉस्ट होता है आपका, और बिसाइड्स इट इज एन इंडस्ट्री विच डिपेंड्स हेवली ऑन दी पॉलिसीज ऑफ दी गवर्नमेंट। ये इंडस्ट्री आपकी पॉलिसी गवर्नमेंट की पॉलिसीज के ऊपर भी काफ़ी डिपेंड करती है, तो गवर्नमेंट काफ़ी पॉलिसीज बनाती है। जैसे आप लोग ने देखा होगा कि फाइनेंस का एक आ रहा है आपका, और गवर्नमेंट की 5 ईयर प्लान है, और ये सब चीज़ें हैं, तो गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज होती हैं उसके ऊपर ये बहुत डिपेंड करती है, और दूसरा आपका पावर इस जो है पावर के ऊपर बहुत डिपेंड करती है, क्योंकि पावर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है, और उसका एक प्राइस में बहुत ज़्यादा फैक्टर होता है। और नेक्स्ट इज तो ये आप लोग पढ़ रहे हैं ओवरऑल फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड इन सीमेंट इंडस्ट्री। तो सबसे ज़्यादा सीमेंट जो कंजम्पशन होता है वो जापान में होता है, दैट इज 561 पर कैपिटा कंजम्पशन इन केजीज। जापान, यूके, कोरिया, मलेशिया, चाइना एंड देन इंडिया। एंड
एंड थर्ड फैक्टर इज टेक्नोलॉजी एंड प्रॉब्लम्स. व्हाट आर द प्रॉब्लम्स? शॉर्टेज ऑफ कैपिटल, पावर शॉर्टेज, लोकेशनल प्रॉब्लम्स, शॉर्टेज ऑफ कोल, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ रेलवे वैगन्स, इफेक्टिव मेथड ऑफ ट्रांसपोर्ट, नेग्लिजिबल शेयर इन वर्ल्ड ट्रेड एंड टेक्नोलॉजिकल ऑब्सोलेंस. देन मिनी सीमेंट प्लांट. ओके, एक होते हैं आपके मिनी सीमेंट प्लांट. तो गवर्नमेंट ने कई जगह लाइमस्टोन थोड़ा कम अवेलेबल होता है, तो गवर्नमेंट ने वहां पर मिनी जो है प्लांट स्टार्ट कर दिया है, मिनी सीमेंट प्लांट स्टार्ट कर दिया है. तो दे हेल्प इन द यूटिलाइजेशन ऑफ लाइमस्टोन रिजर्व्स. तो एंड जेस्टेशन पीरियड हाफ होता है और इंफ्रास्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट कम होता है और डिस्ट्रीब्यूशन आपका इजी होता है और एम्प्लॉयमेंट मिलता है आपको, रूरल डेवलपमेंट होता है और लोअर कॉस्ट होता है और वेजेस से फर्क नहीं पड़ता है और कॉस्ट कम होता है एंड क्वालिटी आप लोग क्योंकि कम होता है इसमें तो क्वालिटी अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं. और तो इस तरह से ये आपके मिनी सीमेंट प्लांट भी आजकल एक स्टार्ट हो गए हैं. और रिसर्च एंड डेवलपमेंट दिया हुआ है, एक्सपोर्ट प्रोस्पेक्ट्स, रिसर्च एंड डेवलपमेंट. तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट मैं थोड़ा बता देता हूँ. रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ सीमेंट टेक्नोलॉजी इज बीइंग कैरिड आउट बाय द सीमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट, several universities and also by various organizations in public and private sectors. The gamut of their activities includes use of industrial waste such as fly ash, pozona in the manufacture of cement, productivity enhancement programs, development of mini cement plants and a host of other programs. So, aapke matlab activities jo hoti hain wo hoti hain aapki आप लोग जो इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है उसको कैसे यूज करें आप, जैसे कि फ्लाई ऐश है, पजोना है, उसको आप लोग सीमेंट में यूज कर लें और प्रोडक्टिविटी एनहांसमेंट करें और मिनी सीमेंट प्लांट बनाएं आप लोग. और आईआईटी कानपुर एंड रीजनल रिसर्च इंस्टीट्यूट जोरहाट हैड डेवलप्ड अ टेक्नोलॉजी फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट फ्रॉम पैडी हस्क. आईटी कानपुर और ये रीजनल रिसर्च इंस्टीट्यूट, इन दोनों ने एक टेक्नोलॉजी बनाई थी जहां पर आप लोग पैडी जो होता है हस्क उससे आप लोग सीमेंट बनाते थे. ऑलरेडी अ फैक्ट्री इन शिमोगा कर्नाटका हैज बीन मेकिंग सक्सेसफुल एप्लीकेशन ऑफ दिस टेक्नोलॉजी टू प्रोड्यूस सीमेंट. द स्टेट्स यूपी, पंजाब, हरियाणा आर टेकिंग स्पीडी एक्शन टू एस्टेब्लिश सिमिलर प्लांट्स. सीमेंट फ्रॉम पैडी हस्क में बी यूटिलाइज्ड फॉर एनी कंस्ट्रक्शन वर्क. पैडी हस्क से जो सीमेंट बनता है वो आप लोग एक अच्छा सीमेंट यूज कर सकते हैं. तो ये आपका आईआईटी कानपुर और आरआरआई जोरहट ने बनाया है. तो पैडी हस्क एक काफी अच्छा, उससे आपका सीमेंट बन जाता है और काफी फैक्ट्रीज उसकी बनाई जा रही हैं और ये आपका कहीं भी यूटिलाइज किया जा सकता है फ्यूचर. तो ये आपका रिसर्च एंड डेवलपमेंट में आता है ये सब. और नेक्स्ट इज फ्यूचर. फ्यूचर ऑफ सीमेंट इंडस्ट्री शुड बी पोटेंशियली गुड एंड सीमेंट कॉन्क्रीट रोड्स कॉस्ट मोर बट दे हैव लॉन्गर लाइफ. तो सीमेंट की मतलब रोड्स भी बनाते हैं जो है, कॉन्क्रीट रोड्स भी बनाते हैं. और All over the world, cement roads have proved their superiority over bituminous roads. तो सीमेंट की जो रोड होती हैं वो सुपीरियर होती हैं आपकी bituminous roads से. Concrete gains in strength with age, unlike other construction material. तो concrete जो होता है उसकी strength जो है age के साथ बढ़ती जाती है, जबकि बाकी material आप देखते हैं उनकी age के साथ जो है strength कम हो जाती है, लेकिन जो concrete होता है उसकी strength age के साथ बढ़ती जाती है. अब जैसे बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ बॉम्बे हैज गॉन फॉर कॉन्क्रीट रोड्स. ओके,
इन स्पाइट ऑफ देयर हायर इनिशियल कॉस्ट इन राउंड अबाउट्स एंड जंक्शंस। तो बॉम्बे में आपकी कंक्रीट की रोड्स बनाई गई हैं, जबकि काफ़ी कॉस्टली होती हैं इनिशियली। और देर आर 2280 मेजर ब्रिजेस टू बी कंस्ट्रक्टेड एंड 33 सबमर्सिबल ब्रिजेस टू बी बिल्ड, 400 लेवल क्रॉसिंग्स टू बी रिप्लेस्ड बाय रोड्स ओवर ब्रिजेस एंड 300 बाईपासेस टू बी कंस्ट्रक्टेड। द प्राइवेट सेक्टर हैज बीन परमिटेड टू कंस्ट्रक्ट एक्सप्रेस हाईवेज ऑफ 2000 किलोमीटर लेंथ। द गवर्नमेंट इज कंसिडरिंग अ प्रपोजल टू प्राइवेटाइज द 65 किलोमीटर लेंथ ऑफ नेशनल हाईवेज। तो अब मतलब प्राइवेट सेक्टर काफ़ी चीज़ें जो हैं वो प्राइवेटाइज करे जा रही हैं, जैसे आपने देखा होगा इलेक्ट्रिसिटी और ये सब प्राइवेटाइज कर रही है गवर्नमेंट, तो इसी तरह इसको भी आप लोग नेशनल हाईवेज का जो उसको भी प्राइवेटाइज करने की में है। और तो काफ़ी चीज़ें आपकी बनाने के लिए मतलब इनका शेड्यूल है कि ब्रिजेस बनाएंगे और हम लोग ये सब चीज़ें बनाने का काफ़ी इनका शेड्यूल है, और ब्रिजेस बनाने का है, सबमर्सिबल ब्रिजेस बनाने का है, तो काफ़ी प्लान्स हैं अभी। और तो ये आपका फ्यूचर, तो सीमेंट इंडस्ट्री का फ्यूचर तो आप समझ ही सकते हैं कि हर जगह सीमेंट ही यूज़ होता है। और प्रोड्यूसर्स एंड कैपेसिटीज ऑफ इंडियन सीमेंट प्लांट्स, तो आप लोग ने जैसे बिरला का सुना होगा, बिरला जूट एंड सीमेंट, डीसीएम, ग्रासिम, इंडिया सीमेंट्स, जेके, मोदी, एलएनटी, ओरिसा एंड श्री सीमेंट होता है आपका। तो ये काफ़ी आपकी सीमेंट की फैक्ट्रीज हैं और प्रोड्यूसर एंड कैपेसिटीज भी दी हुई हैं इनकी, तो यहाँ पर सीमेंट का प्रोडक्शन होता है। तो दिस मच इज फॉर सीमेंट। और तो ये सब चीज़ें आपको सीमेंट के बारे में पता होनी चाहिए और मिनी सीमेंट प्लांट्स स्पेशली आपको पता होने चाहिए। तो मिनी सीमेंट प्लांट की क्या क्या एडवांटेजेस होती हैं और क्या क्या रिसर्च एंड डेवलपमेंट चल रही है और किस तरह से आईआईटी कानपुर और जोरहट में आपका जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है, रीजनल रिसर्च इंस्टीट्यूट, उन्होंने आपका एक पैडी हस से सीमेंट बनाया है और वो काफ़ी जगह यूज़ हो रहा है, उसकी मतलब काफ़ी फैक्ट्रीज भी सेट हो गई हैं। और किस तरह रोड्स के लिए बनाया जाता है सीमेंट आपका, ओके। और सीमेंट इसकी स्ट्रेंथ मतलब एज के साथ बढ़ती जाती है, ओके। तो ये आपकी दिस इज फॉर मच सीमेंट इंडस्ट्री। सो दिस मच